जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंगे मालिकाम। डमट 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 निनाद बड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ही हमारी 23वीं क्लास रहेगी। हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आज इस चैप्टर में सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ, ये आपकी किरण की बुक है और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अगर दो है तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। देखो यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा पूछ रखा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम कर सकते हैं स्क्वेयर। अगर दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर खोल देंगे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है दो का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, चार। अब देखो यहां से साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का दो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो चार माइनस दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो। हम कह सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दो के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एलजेब्रा की फॉर्म में पूछा गया है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर टू कोस थीटा है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या होगा? आप एक दफा मानकर चलो ये कोस थीटा नहीं होता, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दो होता, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर कैसे निकालते थे, दो का स्क्वेयर करके उसमें से दो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहां पर करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो दो का स्क्वेयर चार, और कोस थीटा का स्क्वेयर करेंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा, और इसमें से दो माइनस कर देंगे इस प्रकार से। तो दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है, कोस टू थीटा के बराबर होता है, और ये दो है तो यहां पर लिखेंगे दो, तो राइट आंसर हो जाएगा टू कोस टू थीटा, ये आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस फॉर्म में सवाल दिखाई दे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कुछ भी गिवन है और एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर पूछता है तो स्क्वेयर करके दो माइनस कर देना है, इस तरीके से आप इजिली आंसर निकाल सकते हो। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री बटे में कोस 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा? देखो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है कोस 15 डिग्री के बराबर, जो ये वाली वैल्यू है इस डिग्री के बराबर, तो कोस 15 डिग्री, और यहां पर दे रखा है कोस 15 डिग्री, और साइन 75 किसके बराबर हो जाएगा, कोस 15 डिग्री के, नीचे कुछ भी दे रखा हो इसको छोड़ देंगे। देखो कोस 15 में से कोस 15 गया, ऊपर अगर जीरो आती है, नीचे चाहे कितने भी अंक दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आता है। इस तरीके से बस नीचे अगर जीरो आ जाता ना, अगर मान लीजिए एक बटा जीरो हो जाता तो फिर आपका आंसर होता इन्फिनिटी, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर अगर जीरो आती है तो आंसर जीरो, और नीचे अगर जीरो आ जाती है तो आंसर इन्फिनिटी, इस तरीके से करेंगे सवाल को। टेन थीटा अगर एक के बराबर है तो वैल्यू बतानी है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां पर दे रखा है न्यून कोण है थीटा, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम है, तो टेन कितने डिग्री एक मान होता है, यहां पर हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यानी कि टेन 45 किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन टू थीटा के। देखो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा से रिलेटेड, जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते हो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी है 45, और 45 दूनी कितना हो जाएगा साइन, ये एस है साइन 90 डिग्री माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, यहां लिखेंगे 45 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री कितना होता है, एक होता है,
और कोसिकेंट 45 डिग्री कितना होता है मान, कोसिकेंट 45 डिग्री का अंडर रूट 2 ये मान होता है, और कोसिकेंट स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वेयर से ये अंडर रूट कैंसिल, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। हाइट एंड डिस्टेंस से अब तक आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक इससे नेक्स्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ये कोई सीढ़ी है 17 मीटर की, ये इमारत है इसकी खिड़की पर यहां पर लगी हुई है इस तरीके से, 15 मीटर है ये इमारत इसकी ऊंचाई है, और इसके सीढ़ी के तो ये डिस्टेंस बतानी है। बताना इसमें क्या है, दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी ये बतानी है, और ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होता है। आप यहाँ से ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसका आंसर 8 आ जाएगा ये बुझाए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, नहीं है तो हम कैसे निकाल देंगे, इसका लंब का स्क्वेयर निकालेंगे। लंब का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वेयर 225 प्लस इसका स्क्वेयर आधार का स्क्वेयर, इसको मान लेते हैं एक्स, तो इसका स्क्वेयर इसके बराबर होता है, इसके हाइपोटेनस कर्ण के स्क्वेयर के बराबर होता है, यानी कि 17 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 289। तो एक्स का स्क्वेयर किसके बराबर है 289 माइनस 225, और 289 से 225 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बराबर है 64, और दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे स्क्वेयर काटने के लिए, तो स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इस तरीके से आंसर निकालना है, और आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 15, 8, 17 इस तरीके से, जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं आप याद कर लेने हैं, इस तरीके से भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं, ये बी और डी क्या है, ये जहाज है दो और ये लाइट हाउस है ए। इस तरीके से लाइट हाउस कितना है, ये 100 मीटर ऊंचा है ये लाइट हाउस, तो ये डिग्री एंगल बनता है ओनियन कोण, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की ये दूरी बतानी होती है। देखो टाइम एंड जो ये डिस्टेंस है ना, ये मैंने करवा रखा है पूरा चैप्टर, यहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, इसको पूरा देख लेना, आपको इन सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैंने ट्रिक से करवा रखा है पूरा कंप्लीट, हाइट एंड डिस्टेंस आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का दोनों तरफ इस तरीके से, ये 90 डिग्री एंगल है, तो देखो ये एंगल है यहाँ पर 10, 45 डिग्री के, हम ये वैल्यू निकालेंगे पहले, सी और डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 45 डिग्री, 10, 45 क्या होता है 10, 45 ये किसके बराबर हो जाएगा, पी अपोन बी होता है ये, पी अपोन बी, पी कितना है परपेंडिकुलर 100 है, और बेस क्या है हम मान लेते हैं एक्स, एक्स ये बेस रहेगा, तो 10, 45 क्या होता है एक होता है इसकी वैल्यू, और 100 बटे में एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो ये 100 मीटर आ जाएगी एक्स की, यहां लिखेंगे 100 मीटर। अब निकालनी है बी और सी की, बी और सी की भी ऐसे ही निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 10, 30 डिग्री किसके बराबर, पी अपॉन बी, पी कितना है 100 और बी हम यहां मान लेते हैं एक्स, इस तरीके से 10, 30 डिग्री होता है 1/√3 किसके बराबर 100 बटे में एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100√3, पूरा मान पूछ रखा है यहां पर, अदरवाइज हम इसको जोड़ देते 100 और 100, 200√3 आंसर आ जाता, लेकिन इसमें क्या दे रखा है पूरा वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 100 लिखना पड़ेगा, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 173, ये वाला बी और सी कितना है 173, 173 ये है और 100 ये है, टोटल कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 273, ये आंसर हो जाएगा 273 मीटर, बी और डी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 273 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर करना है बिल्कुल, तो मैंने चैप्टर करवा रखा है आपको, मैं प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट में लिख देना, जय भोलेनाथ।